नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एक इंदौरी युवक शेखर सिंह ने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक ट्वीट किया, जिसमें शेखर ने धार जिले के पीथमपुर थाने को तहस नहस करने और पीथमपुर थाना प्रभारी संतोष दूधी के साथ अन्य चार पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी भरा ट्वीट किया। शेखर ने ट्विटर पर बताया कि उसने 2 वर्ष पूर्व अपने 3 बच्चों के गुमशुदा होने की FIR पीथमपुर थाने पर करवाई थी, जिस पर कार्यवाही के नाम पर पीथमपुर थाना प्रभारी संतोष दूधी ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करी। इस मामले को लेकर इंदौर के युवक शेखर सिंह ने ट्विटर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरे मामले से अवगत कराया। वहीं शेखर सिंह ने एक और ट्वीट किया, जिसमें शेखर ने मई महीने तक कार्यवाही नहीं होने पर पीथमपुर थाने को तहस नहस करने और 5 पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी भरा ट्वीट किया। साथ ही बताया कि वो रोजाना पीथमपुर थाना अंतर्गत बड़े बड़े अपराध भी करेगा। इस मामले में पीथमपुर CSP DK तिवारी ने बताया कि ट्विटर पर इस तरीके से मैसेज करने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक शेखर सिंह को गिरफ्तार कर धारा 506 507 का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं आरोपी युवक के बारे में बताया जा रहा है कि युवक शेखर सिंह पीथमपुर में रहकर ड्राइवरी करता था और 2 वर्ष पूर्व शेखर की बीवी आपसी विवाद के चलते उसे छोड़कर चली गई थी। वो अपने साथ अपने 3 बच्चों को भी लेकर अपने ससुराल चली गई थी। अपने बीवी को वापस लाने के लिए आरोपी युवक शेखर सिंह ने योजना बनाकर पीथमपुर थाने पर अपने 3 बच्चों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, ताकि पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 बच्चों के साथ उसकी बीवी को ढूंढ कर ले आए। कि कोई शेखर नामक व्यक्ति ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो पीथमपुर थाने पर आकर कुछ उग्रता दिखाएगा और कुछ पुलिस वालों को ट्विटर पर उसने मारने की धमकी भी दे रखी थी। खबर के आधार पर हमने ट्विटर पर सर्च करके उसका अकाउंट तलाश करके उसके मोबाइल नंबर और शेखर के नाम से नामजद धारा 506 507 का मुकदमा कायम किया है। शेखर का यह कहना है कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी और पुलिस वाले उसको लाकर वापस करें, इस संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं और इस प्रकरण में शेखर की तलाश करके उसको गिरफ्तार करेंगे। सर, आपका नाम और पद बता दें। संतोष दूधी, PI सेक्टर 1। खातेगांव देवास जिले की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, जो आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा का विषय बनी रहती है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को करोड़ों की सौगातें भी मिली हैं, पर कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का अंबार लगा है। यहां ना तो कोई देखने वाला है और ना ही कोई हकीकत जानने वाला है। जनता के पैसों का सीधे सीधे पलीता लगाया जा रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। लाखों रुपए की सड़कें कागजों पर बन गई हैं और जिम्मेदारों को खबर नहीं है। दरअसल जो हम दिखाने जा रहे हैं वो एक चौंका देने वाला मामला देवास जिले की खातेगांव जनपद पंचायत की ग्राम ओलंबा में देखने को मिला। ओलंबा पंचायत के गांव बड़गदा बगड़दा ओलंबा पंचायत के ग्राम बगड़दा में दबंग सचिव ने कागजों पर 4 लाख की लागत से प्राथमिक शाला भवन से लेकर उमेश के घर तक की CC रोड का निर्माण कर डाला, जिसमें बालू रेत, जिसकी खबर मीडिया को लगी तो मीडिया ने मौके पर जाकर देखा तो पता चला स्कूल भवन से लेकर उमेश के घर तक CC रोड के अते पते ही नहीं है। सिर्फ कागजों पर ऑनलाइन रिकॉर्ड में ही 4 लाख की लागत का CC रोड बन गया। गांव के लोगों ने कलेक्टर को भी शिकायत की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं या जनता के पैसों का पलीता लगाकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। हम इसलिए आए कि यहां थोड़ी कार्रवाई करना था हमको। किस मामले को लेके? ये उमेश के घर से लगा के स्कूल तक का रोड पे कार्रवाई करना था, क्योंकि ये रोड के पैसे जी निकल चुके हैं कि बिल कागज सब बन चुके हैं और ये रोड बोल रहे हैं कि पंचायत, हमारी ओलंबा पंचायत के मंत्री सचिव सरपंच जी ये बोल रहे हैं कि ये रोड कंप्लीट है जी। और ये आप भी जाके देख सकते हैं, ये बिल वहाँ पे लगा हुआ है, स्कूल के सामने एक शौचालय वगैरह बनी है उसमें लिख चुके हैं पैसे, पानी के टैंकर भी इतने लगे, ये बिल रखा हुआ, आप ये बिल देख सकते हो जी। आके बिल देख लो और रोड कंप्लीट अभी तक हुआ नहीं है और बोल रहे हैं कि रोड कंप्लीट हो चुका है। सर, खातेगांव के कांकड़दा में और ग्राम और भी है जहां पर 2 रोड का हमारे प्रतिनिधि ने जो वीडियो क्लिप वहां पहुंचाया है और 10 से 12 लोगों ने आपके यहां पे आकर के शिकायत की भ्रष्टाचार को लेकर के, आपके पास क्या प्रमाण आए हैं मीडिया के थ्रू और सर आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर? तो देखिए, आपके द्वारा कुछ ऐसे बिल्स प्रस्तुत किए गए हैं और उस वर्क की डिटेल्स प्रस्तुत करी गई हैं। इस संबंध में मैंने जो संबंधित AE हैं उनको निर्देशित किया है, वो वहाँ पर जाएंगे, उस जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, वहाँ के फोटोग्राफ्स वगैरह और जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे।
अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई जो भी संबंधित सरपंच और सचिव हैं और जो संबंधित टेक्निकल लोग भी उनके विरुद्ध की जाएगी। सर 10 से 12 लोग यहाँ पे आपके पास शिकायत लेकर के कल आए थे और वहाँ के पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के, उन्होंने भी ऐसा बोला है कि खातेगांव यहाँ से लंबा पड़ता है और अधिकारी वहाँ पर जो है कि नज़र नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, तो क्या सर लगातार खातेगांव की इसी पंचायतों पर नज़र रखी जाएगी जो जिसमें भ्रष्टाचार? जैसे भी इन सब मामलों में हमको शिकायत प्राप्त होती है भ्रष्टाचार संबंधी, वहाँ पे हम लोग तुरंत जाँच कराते हैं और अगर शिकायत सत्य पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो सेम इस केस में भी यही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। हरदा जिले के टिमरनी में नगर परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राही प्रमाण पत्र वितरण और हितग्राहियों राशि हस्तांतरण कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में 207 हितग्राहियों को 2,24,00,000 की राशि का हस्तांतरण हुआ। स्थानीय कन्याशाला परिसर में हुए इस कार्यक्रम में सांसद ज्योति धुर्वे, विधायक संजय शाह, नगर परिषद अध्यक्ष, पार्षद, पात्र हितग्राही भी मौजूद थे। हमारे सम्मानी मनोहरलाल जी राठौर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमारे मंच पे गंगा से जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है, सम्मान इस मंच पे उनका भी सम्मान करता हूँ। नगर परिषद के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय कौशल जी मंच पर विराजमान, निसंदेह उन हितग्राहियों के लिए वरदान साबित होगी जिनका सपना था कि हमारा पक्का मकान। हमें बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि 2022 तक ऐसा कोई हितग्राही, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे देश में और प्रदेश में ना रहे जिसके सर पर उसका अपना छत ना हो, कि 2022 तक हम हर गरीब को आवास देंगे और जिनके पास आवास बनाने की धरती पर यदि किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे करके दिखाया। भाइयों और बहनों, उनके सपनों के साथ यदि हम देखें, इस देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार पूरी तरह से अपना सिकंजा जकड़ा हुआ था। हम असहाय नहीं देख रहे हैं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हम उस गरीब पर होने नहीं दिया जा रहा है। महंगाई की चरम सीमा को हमने पूरी तरह से खत्म किया। देवास जिले के ग्राम आमला ताज में एक युवक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कर्ज से परेशान होकर ये कदम उठाया गया है। किसान की प्याज की फसल भी सूख गई थी। हाट पिपल्या पुलिस जांच में जुटी है। सरकार लाख जतन कर ले, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की परेशानियां कम होने और आत्महत्या तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। उपज के भावों में भारी कमी की वजह से किसान कर्जदार होता जा रहा है। इस बार बारिश की कमी के चलते फसलें भी सूख सी गई हैं। ऐसे में किसान मजबूरन आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। ताजा मामला देवास जिले में सामने आया है, जहां जिले की हाट पिपल्या क्षेत्र के ग्राम आमला ताज में आज एक 30 वर्षीय किसान बलराम पिता स्वर्गीय परमानंद पाटीदार ने एक खेत में लगे पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक बलराम गुरुवार शाम घर से बिना कुछ कहे चला गया था। शुक्रवार को सुबह ग्रामीणों ने रतन सिंह सेंधव के खेत पर पेड़ पर लटका हुआ शव देखा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अब मर्ग कायम कर किसान की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। परिजनों के मुताबिक किसान के पास करीब 4 बीघा जमीन थी और उस पर बैंक और सोसाइटी का करीब 4,00,000 का कर्ज हो गया था। उसने जो प्याज खेत में लगाई थी वो भी पानी की कमी से सूख गई थी। इस वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। प्याज था 2 बीघा का, वही सूख गया पानी नहीं होने कारण। पानी नहीं होने के कारण इससे परेशान थे। तो क्या शादी होगी इनकी? बच्चे बच्ची भी हैं? बच्चा बच्ची नहीं। अच्छा अच्छा, तो कितनी उम्र कितनी थी इनकी? 30 साल। आप क्या लगते हैं इनके? क्या नाम है आपका? नाम श्री राम। और ये मृतक का क्या नाम है? बलराम। तो ये क्यों फांसी लगा लिया? कर्जा का मारी दो लगा लिया साहब। काहे का कर्जा था? बैंक का है, सोसाइटी का है, केसीसी का है। कितना कर्जा है? लगभग 4,00,000 रुपए। तो ये क्या किसान है ये? किसान था। कितनी जमीन इनके पास? जमीन 4.5 बीघा। और कैसे लगाई इन्होंने फांसी?
खेत पर। भिंड जिले में आज जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता एनपी कोरी पहुंचे, जहां पर वो विवादों के घेरे में आ गए। विवाद का कारण बना उनका 85 लाख की मर्सिडीज बेंज कार से पहुंचना। यहां पर नहरों की शिकायत करने पहुंचे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रमेश दुबे ने एनपी कोरी को घेर लिया। इसके बाद वो तुरंत सर्किट हाउस से रफू चक्कर हो गए। इंजीनियरों पर अक्सर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर घटिया निर्माण में सहयोग देने के आरोप लगते रहते हैं। ये आरोप काफी हद तक सही भी होते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ठेकेदारों द्वारा इंजीनियरों को ओबिलाइज करने के लिए उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिसके एवज में वो घटिया निर्माण करते रहते हैं। भिंड जिले में भी एनपी कोरी के समय में कई नहरों का निर्माण हुआ, लेकिन वो निर्माण बेहद ही घटिया था। जिसके बाद आज एनपी कोरी के भिंड दौरे पर पहुंचने की सूचना पाए कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी टूटी फूटी नहरों की शिकायत करने सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन वहां पर 85 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज कार को देखकर रमेश दुबे ने उसको अंदर से देखने की इच्छा जताई, जिस पर मुख्य अभियंता साहब ने मना करते हुए वहां से खिसक लिए। इस दौरान मीडिया के लोग भी मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन जल संसाधन विभाग के कर्मचारी उन्हें गाड़ी का वीडियो बनाने से रोकते रहे। आपको बता दें, जिस मर्सिडीज बेंच से मुख्य अभियंता आए वो भोपाल की सारथी कंस्ट्रक्शन के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि रमेश दुबे द्वारा सवाल किए जाने पर मुख्य अभियंता ने उसको दोस्त की गाड़ी बताया। ऐसे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि जिस गाड़ी से वो पहुंचे वो सारथी कंस्ट्रक्शन नाम की किसी फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि ठेकेदारी फर्म है। ऐसे में जिस फर्म की गाड़ी में वो सफर कर रहे हैं उसको निश्चित ही वो लाभ पहुंचा रहे होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश के प्रवास पर भोपाल पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमानतल पर राष्ट्रपति की अगवानी की और उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान ने राष्ट्रपति कोविंद की धर्मपत्नी सविता कोविंद का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सीता सरन शर्मा, वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस, सांसद आलोक संजर, महापौर आलोक शर्मा, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव बीपी सिंह, पुलिस महानिदेशक आर के शुक्ला सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TMT न्यूज।